हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही डिलीशियस मिल्की कैरमल केक की रेसिपी। इसे हम बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, कोई व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि हर कोई इसको बहुत ही आसानी से बना सके। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 अंडे लेंगे, इसे तोड़ के हम एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे और इसे हम विस्क करेंगे। मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप हैंड विस्क या फिर आप इसे मिक्सर में भी कर सकते हैं। इसे हमें तब तक बीट करना है जब तक कि ये लाइट और फ्लफी ना हो जाए। अभी आप देख सकते हैं अंडे बीट होके लाइट और फ्लफी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप चीनी, 1 चम्मच वनीला एसेंस, 1/4 कप तेल, वेजिटेबल ऑयल है ये, और 1/4 कप दूध। इन सब को हम अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। ये है 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा, इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और इन दोनों को साथ में छान के बैटर में मिला लेंगे। अब ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को फोल्ड कर लेंगे। केक बैटर तैयार है और वहाँ अवन भी प्री हीट हो चुका है। तो चलिए इसको बेक करने के लिए एक मोल्ड में डाल देते हैं। मैं एक ग्लास का मोल्ड ले रही हूँ जिसे ऑयल के साथ ग्रीस कर रही हूँ। आप इस केक को कोई भी बेकिंग ट्रे में या फिर सिंपली आप इसको एक पैन में भी बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक पार्चमेंट पेपर भी लगा लिया है, इसको भी ऑयल के साथ ब्रश करेंगे और फिर हम केक का बैटर इसमें डाल देंगे। अब मैं एक स्क्यूअर की मदद से इसमें मौजूद एयर बबल्स को निकाल रही हूँ। आप सिंपल से टैप भी कर सकते हैं। अब इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट के लिए। अब एक सोकिंग सिरप बनाते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप दूध और उसमें मिलाएंगे 3 टेबलस्पून चीनी और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम फ्रिज में रखेंगे जब तक कि केक बेक होगी या अच्छे से चिल हो जाएगी। ये देखिए हमारा केक परफेक्टली बेक हो चुका है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे, तब तक थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। अब एक टूथपिक, फोक या स्क्यूअर की मदद से हम पूरे केक को प्रीक कर लेंगे। भूलिएगा मत, हमने इस केक के नीचे एक पार्चमेंट पेपर भी लगाया हुआ है, तो उसे भी हमें निकालना है। अब केक के बैक साइड को भी प्रीक कर लेंगे ताकि जब हम मिल्क की मिक्सचर इसके ऊपर डालें तो वो अच्छे से सोक कर सके। अब ठंडा हो चुका मिल्क की मिक्सचर हम इस केक के ऊपर पोर कर देंगे। आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। अब इस केक को रेस्ट देते हैं, तब तक हम कैरमल सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक पैन में 1/2 कप चीनी ले रही हूँ। इसे हम लो हीट पे मेल्ट करेंगे। मैं इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट करूँगी ताकि मेल्ट होने पर इस पर हमारा एक कंट्रोल रहे। नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि चीनी जल जाती है और वो एकदम से बिटर टेस्ट करता है, तो इसे अवॉइड करने के लिए लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट होके कैरमलाइज हो रही है, इसका रंग भी थोड़ा सा डार्क हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे, ये अपनी गर्मी में ही और ज़्यादा डार्क होती जाएगी। इसमें अब हम 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे है।
कैरमल सॉस परफेक्ट बन जाए तो इससे टेस्टी और कुछ नहीं हो सकता, और अगर चीनी थोड़ी सी भी जल गई तो इससे बुरी भी और कुछ नहीं होगी। तो चीनी को कैरमलाइज करते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम एक चुटकी नमक भी ऐड करेंगे, इससे कैरमल का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें आधा कप गरम दूध, जी हाँ हम क्रीम इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि दूध का इस्तेमाल करके इस सॉस को तैयार करेंगे। अब गैस ऑन कर देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि पूरी कैरमल और दूध दोनों अच्छे से कंबाइन ना हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, ये थोड़ा सा थिक हो जाए गैस ऑफ कर देंगे, जब ये ठंडी होगी तो वो अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए ये अब थोड़ी सी रनी लग रही है, इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसे केक के ऊपर डाल देंगे। कैरमल सॉस ठंडी हो गई है और थोड़ी सी गाढ़ी भी, तो चलिए इसे केक के ऊपर डाल देते हैं। इसको अच्छे से फैला लेने के बाद अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे कम से कम 2 घंटों के लिए। ये लीजिए मिल्की कैरमल केक तैयार है। कैरमल का यमी फ्लेवर और ऊपर से दूध में डूबा हुआ केक, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केक कितना ज्यादा टेस्टी होगा। इंशाल्लाह अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर।